हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हो इजी ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा 15 यानी कल जब ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा एक अपडेट किया है एजुकेशन के ऊपर, तो आप लोगों को पता ही होगा जो अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड पोस्ट ग्रेजुएट ओनली फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर यूजी इंजीनियरिंग जो होता है उसका सेमिस्टर नहीं होगा, वो नेक्स्ट सेमिस्टर प्रमोट कर दिया जाएगा। एंड जो फाइनल सेमिस्टर होगा फाइनल सेमेस्टर वो एग्जाम होगा, कब होगा इसका कोई डेट नहीं दिया है। बट इसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मुझे बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, मुझे जानते हो। फर्स्ट जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम नहीं होता, सेमेस्टर एग्जाम नहीं होगा तो कैसे मार्क्स देगा, कैसे रिजल्ट निकलेगा, एवरेज मार्क्स देगा या पिछले सेमेस्टर के ऊपर डिपेंड करके मार्क्स देगा, कैसे देगा, ये सारा को देखो। एक बड़ा आर्टिकल और बड़ा न्यूज निकला है, ठीक है, न्यूज में आप दिखाऊंगा बाद में, आप लोग पहले बात कर लेते, थोड़ा डाउट को क्लियर कर लेते। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो पूछ रहा है कि जो जिस कॉलेज में साल में एक जो ईयर में एक एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, तो उन लोग क्या करेगा, उन लोगों का नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर देगा। ये सारा जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में, या MBBS बोल लो या मेडिकल में जो भी पढ़ रहा है कि नर्सिंग पढ़ रहा है, उसका उन लोगों का क्या होगा, जो सारा देखो जिसके जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें बोला था ममता बनर्जी ने, उसमें तो सारा कुछ क्लियर नहीं हुआ है, जस्ट बोला है इंजीनियरिंग PG UG के ऊपर ऐसा नहीं होगा, पूरा जो बात है क्लियर नहीं हुआ है। बट एक आर्टिकल निकला है, मैं बताऊंगा उसको उसके बारे में, ठीक है। और उसके साथ साथ जो डिप्लोमा स्टूडेंट है, जो डिप्लोमा स्टूडेंट थर्ड ईयर फाइनल ईयर में है और जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर में, उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जाम देना नहीं देना पड़ेगा, और जो फाइनल ईयर में उन लोगों का होगा, सारा कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा या नहीं होगा, ठीक है, चलो देख लेते हैं इस आर्टिकल को, आप लोगों को दिखाई देगा पड़ेगा इस ऊपर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ऊपर लिखा था स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 एंड कॉलेजेस वुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास एंड सेमेस्टर, सीएम ममता बनर्जी ने दिया है, ठीक है, 15 अप्रैल में ये अनाउंस किया है। आप लोग देख सकते हो ये आजाद हिंद न्यूज में आया, ठीक है। तो देखो मीनिंग ऑफ फाइनल सेमेस्टर, तो फाइनल सेमेस्टर क्या होता है, ओके, ऊपर देखो ये 10th एंड 11th का बताया है, बट ये मैं बता देता हूँ, ममता बनर्जी अनाउंस दैट द student of class 11 and colleges will be promoted to next class semester, okay, semester भी promote कर दिया जाएगा, ये बोला है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो ऊपर, but ये मैंने नहीं बताना है, नीचे आना है, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा है कि CA ममता बनर्जी had announced earlier, हमने पहले announce कर दिया था कि this week that schools and colleges will remain college closed till June 10, okay, जून तक क्लोज रहेगा, बट वो नहीं, हम लोग को पता चलना चाहिए कि क्या होने वाला है, ठीक है। आप लोग देखो आफ्टर द अनाउंसमेंट फ्रॉम सीएम ममता बनर्जी रिगार्डिंग सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन, ओके, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दिस कमिंग CBCS एग्जाम सेमेस्टर सेकेंड एंड फोर्थ। देखो ये जो अनाउंस करने के बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं, ठीक है। इस बार देखो जो ऑन सोशल मीडिया दे आस्क मी अबाउट व्हाट इज फाइनल सेमेस्टर क्या होता है, ओके, व्हेन थर्ड सेमेस्टर फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंसर्न ऑकर्ड, ओके, एंड इज देयर एनी ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल कोई ऑर्डर आया है यूजीसी तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, ओके, देखो नोटिस अबाउट सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर प्रमोशंस, कोई भी ऑर्डर आया है अभी तक, नहीं आया है, एंड मेनी मोर, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो फॉर जनरल इंफॉर्मेशन नो गवर्नमेंट ऑर्डर फ्रॉम WB एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम UGC, ओके, WB एजुकेशन डिपार्टमेंट से एंड UG से, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो होता है उसके तरफ से कोई भी जो और नोटिफिकेशन नहीं आया है गवर्नमेंट ओर से, ठीक है। तो देखो रिगार्डिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्रमोशन रिलीज टिल डेट, तो इसके चलते जो कोई सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्रमोशन के लिए UGC की एंड WB एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है, ओके। तो देखो उसमें लिखा है कि वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिस फ्रॉम योर स्पेसिफिक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग दिस इश्यूज। तो आपके जो कॉलेजेस है ऑटोनोमस कॉलेज या यूनिवर्सिटी अंदर आता है, तो वो जो कॉलेज के अंदर जो भी नोटिस देगा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मकआउट हो गया, मकआउट की तरफ से अगर कोई भविष्य नोटिफिकेशन नहीं निकलता तो आप लोग कंफर्म नहीं होंगे कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसे अगर डोंट फील पैनिक मत करें, ठीक है, सिंपली कीप स्टडी योर रनिंग सेमेस्टर सिलेबस एंड कंप्लीट ऑल पेपर। तो आप लोगों को अनुरोध कर रहा है
कि आप लोग जो आपका रनिंग सेमेस्टर चल रहा है उसका सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए, ओके पेपर्स को। इट में पॉसिबल बोथ सेमेस्टर्स 2 and 3 and 4 and 5 एग्जामिनेशन में अरेंज कलेक्टिवली ऑन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। ये बोल रहा है कि पॉसिबल हो सकता है जो बोथ सेमेस्टर 2 and 3 and 4 and 5 में अरेंज नवंबर में या दिसंबर में अरेंज कराया जा सकता है, ठीक है। 2020 बिग अगेन विल टेली नॉट फील टू पैनिक एंड जस्ट वेट फॉर पेपर ऑफिशियल ऑर्डर फॉर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को ये बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी डिसीशन ले जाएगा ले जाएगा, जैसे कि यूजीसी हो गया, मैकआउट हो गया, जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप आते हो, सीयू कलकत्ता यूनिवर्सिटी होगा जो उसके अंदर एक बहुत सारा गाइडलाइन होता है, वो लोग आप दिखेगा जो क्या करना पड़ेगा। तो देखो पेपर्स तो यही यू नहीं होगा, पेपर्स को देना पड़ेगा, जो SGPSC जी पे निकालता है उसको तो आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो अगर एग्जाम नहीं होगा तो ये कैसे आएगा। तो यूनिवर्सिटी तरफ से अगर कोई कंप्लीट नहीं आता तो आप लोग आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते रहना, ठीक है। आप लोग जो पढ़ाई स्टार्ट करना, ठीक है, पढ़ाई मत बंद करना, क्योंकि बोला है सिंपली देखो आप लोग सेमेस्टर सिलेबस एंड कंप्लीट योर ऑल पेपर्स को आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे अगर कोई भी अपडेट आता है यूनिवर्सिटी ओर से, हाँ ठीक है, मैं सहमत हूँ मैं बैनर्जी जो भी बोल रहा है तो देखो, ठीक है। तो चलो उसके चलते वो जो सेमेस्टर एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सब बोल रहा है, देखो ये अगर होता है तो आपको जो यूनिवर्सिटी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी डिसीजन लेता है आई थिंक 2 या 3 दिन में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो आगे कोई भी अगर नोटिस आता है, अपडेट आता है तो उस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।